you proposed that the UK should actually give up its place on the UN Security Council for India. UNSC, United Nations Security Council ke ex-president and ex-permanent jo chief bante hain, unhone UK ko apni permanent seat veto ka right India ko de dena chahiye. Only way to make the United Nations work is to make sure that all the great powers of the day have a vested interest in the UN. That India is the third most powerful country in the world after the United States and China. And Great Britain is no longer great. America is the future of India. America ke saath taluqat. America is going to remain the top three country for the next 100, 200 years. Ye to sare ke sare forecast. अगर आप वो फोरकास्ट मानते हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विल वन डे बिकम द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, तो वो फोरकास्ट ये भी कहते हैं कि इंडिया यूएस विल रिमेन द थर्ड बिगेस्ट. एक तो ये कि यूएनएससी को, यूनाइटेड नेशंस को और सबको सर जोड़ के बैठ के सोचना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि या तो मेंबर बढ़ा दें, इंक्रीज करें और इंडिया को इंडक्ट करें उसके अंदर, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो किसी एक कंट्री को हटाकर इंडिया को बनाए. आपके कंट्री के अंदर केजरीवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा, आपके कंट्री के अंदर मोदी क्यों नहीं पैदा हो रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान. उन दोनों चीजों में क्या है, नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म सर्व करने की ख्वाहिश है. नमस्कार दोस्तों. दिन पर दिन भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है, जहां पर दुनिया भर में मांग उठ रही है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दे दिया जाए. जिस तरह से भारत का रुतबा पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है और दुनिया भर के काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाए तो भारत काफ़ी सारे चेंजेस कर सकता है और दुनिया भर में पीस भी लेके आ सकता है. इसलिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के एक्स चीफ ने प्रस्ताव रखा है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट भारत को दे देनी चाहिए, क्योंकि यूके वैसे भी अपने परमानेंट सीट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत का बढ़ता हुआ पावर पूरी दुनिया भर में अब दुनिया को मजबूर कर रहा है कि भारत को परमानेंट मेंबर बना लिया जाए. वहीं दूसरी तरफ यूके दिन पर दिन हमें डाउनग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी. तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. अगर आप भी सहमत है कि भारत को जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले तो आप भी कमेंट में अपना विचार दे और जय हिंद जरूर लिखे. वो है किशोर महबूबनी. अब किशोर महबूबनी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989. फिर इसके अलावा वो 1998 से 2004 तक भी रहे और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वो बिटवीन 2001 एंड 2002 रहे. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है. अगर वो सिर्फ डिप्लोमेट होते, देखिए ना, जैसे कहा जा रहा है कि सिंगापुरियन डिप्लोमेट, क्योंकि हैं वो सिंगापुर के और सिर्फ सिंगापुरियन डिप्लोमेट ही नहीं है. अगर मैं आपको कुछ और उनकी हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि अगर ये बात कही जाए या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू, वो ये बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है. और साथ में एक और चीज़ भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं. एग्जैक्टली, जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो कही जाती है उनकी, तो उन्होंने जो है ये बात की है. वो सिंगापुर में ही बॉर्न हुए टू सिंधी स्पीकिंग हिंदू फैमिली हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सिंध प्रोविंस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से भी जाके जुड़ जाता है, लेकिन बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहाँ पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है. ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई, कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती,
इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में, वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं, इसमें तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने ये बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है, और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहां पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो ऐसा कंट्री जहां पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री, वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा, वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंगजदा है। जंगजदा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है। अमेरिका इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, अमेरिका इज गोइंग टू रिमेन द टॉप 3 कंट्री फॉर द नेक्स्ट 100-200 इयर्स, ये तो सारे के सारे फोरकास्ट। अगर आप वो फोरकास्ट मानते हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विल वन डे बिकम द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, तो वो फोरकास्ट ये भी कहते हैं कि इंडिया यूएस विल रिमेन द थर्ड बिगेस्ट। लेकिन डिफरेंस, जब इंडिया विल बिकम द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी 2075 की बात है, वो दैट्स व्हेन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक यूएस बाय गोल्डमैन सैक्स। लेकिन इंडिया की जब पर कैपिटा जीडीपी विल बी अराउंड 30,000, अमेरिका विल बी अराउंड 150,000, इट विल स्टिल बी अ वेरी रिच कंट्री एंड टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड। तो इंडिया के लिए इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मनी। खुद जयशंकर साहब जो किताब उनकी दोस्त की लॉन्च हुई, उसमें जो कह रहे थे इंडिया नीड्स टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, ये दो चीजें चाहिए ना। इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बूम हुआ, इट वॉज थ्रू एक्सपोर्ट्स टू द यूएस प्राइमरीली। सो इंडिया इज, यूएस इज द फ्यूचर, बट द प्रॉब्लम ये है कि यूएस इज लाइक ए ग्रेट बॉयफ्रेंड बट ए हॉरिबल हस्बैंड। Yes. जब तक वो बॉयफ्रेंड है वो आपको ऐश कराएगा, शादी करी वो आपको लगा देगा काम पर, देन आपकी ना तो आवाज रहेगी, यू विल बी लाइक अ सर्वेंट, और बीवी में कोई फर्क नहीं रखेगा वो। एंड इंडिया अंडरस्टैंड्स दैट, राइट? तो इंडिया इज वेटिंग टू डेट बट नॉट मैरी अमेरिका, बट अमेरिका तो कह रहा है रोज, हर बार कह रहा है कब शादी करोगे, पंडित को लेकर आया। सो इट इज दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप।